राघव जी छोटे थे, प्रथम बार जब राघव जी ने माँ बोला ना, मैया कौशल्या ने जब वो पहली बार माँ शब्द सुना बड़ी प्रसन्न हुई, पर सुनते ही राघव जी के मुख पर हाथ रख लिया, बोला वारी जाऊं भैया तेरी मैया कह गई है। लला आपने पहली बार माँ कहा मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई राम, पर एक बात कहूँ रघुनंदन, तूने गलत व्यक्ति को माँ कहकर बुलाया है, तेरी माँ तो कह गई है। ये बात कौशल्या मैया कब समझी, राघव जी छोटे हैं और प्रारंभ से ही राघव जी माँ कैकेयी के साथ ही शयन करते थे। एक दिन मैया कौशल्या सोचने लगी, सारा संसार मेरे राम की छवि के लिए ललायित रहता है, बताओ मैं राम की माँ हूँ, मैं ही उसके दर्शन के लिए दिन दिन भर तरसती रहती हूँ, आज राम को अपने साथ सुलाऊंगी। माँ कैकेयी के भवन में थे राम जी, कौशल्या मैया ने कहा राम आज बेटा तू मेरे साथ शयन कर जा। ले आई राघव जी माँ कौशल्या के कक्ष में आए, पलंग पर लेटे हैं, आधी रात्रि का समय हो गया, कभी इधर करवट बदलते हैं कभी उधर करवट बदलते हैं, माँ थकी दे रही है, माँ लोरी सुना रही है, राम जी को नींद नहीं आती। मैया कहती है क्या हुआ राम, कोई समस्या है पुत्र, कोई पीड़ा है क्या, तुझे निद्रा क्यों नहीं आती। उस समय राघव जी ने कहा माँ मुझे मेरी माँ कह गई के बिना नींद नहीं आती। मैया कह गई ने जब मैया कौशल्या ने सुना, तत्काल माँ कौशल्या ने रघुनंदन का हाथ पकड़ा, कहा चल मेरे साथ, कहा माँ कह गई के भवन में, हाथ पकड़कर माँ कैकेयी के भवन में गई, देखा दरवाजा खुला था, दरवाजे के पीछे रोने की आवाज आ रही, भीतर जाकर देखा कौन है, देखा तो एक कोने में बैठकर माँ कैकेयी रो रही थी। मैया कौशल्या ने कहा कैकेयी आप क्यों रो रही हैं। मैया कैकेयी ने कहा दीदी आज राम जब मुझसे दूर गया मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे तन से प्राण निकाल। और वो मैया कैकेयी क्या राम जी का अनभल सोचेगी, हम सोच भी कैसे सकते हैं कि मेरी वो माँ कुछ ऐसा सोच सकती है। राम जी छोटे से थे, माँ कैकेयी अयोध्या के महल के सीढ़ियों पर बैठी थी, राम जी आए पीछे से हाथ लगाया, माँ कैकेयी के नेत्र बंद कर लिया, माँ बता मैं कौन हूँ। मैया कैकेयी तो राम जी को उनके उनके खुशबू से पहचान जाती थी, लेकिन आज खेल खेलते हुए कहा मैं जानती हूँ मेरा लक्ष्मण आया है। राम जी ने आवाज बदल कर कहा सच सच बता माँ कौन हूँ मैं, तू पहचान गई है मुझे, सच बता कौन हूँ। इतना सुनते ही लक्ष्मण भैया कहने, राम जी ने जब पूछा माँ कैकेयी कहने लगी मैं जानती हूँ मेरा लक्ष्मण ही है। मेरा लखन लाला आया है। राम जी ने कहा माँ तू हार गई मैं जीत गया। और गोद में आकर कूद कर बैठे राम लला, अपने हाथ से माँ कैकेयी दूध भात खिला रही है राम जी। मैया कैकेयी से कहा माँ तू हार गई है मैं जीता हूँ, मैं जो मांगूंगा तुझे देना पड़ेगा, बोलना पुत्र क्या चाहिए, प्राण भी मांगे ना राम तो मैं दे दूंगी। राम जी कहते हैं माँ पहले ये बता तुम उससे प्रेम कितना करती है, कितना प्रेम करती है। माँ कैकेयी हंस कर कहती हैं अरे पगले ये भी कोई पूछने की बात है, तेरी कैकेयी मैया तो तेरे लिए प्राण दे सकती है ना। राम जी कहते हैं माँ प्राण नहीं चाहिए, प्राण जाने में एक बार की पीड़ा होती है, माँ तुझसे कुछ मांगूंगा पर जानती है माँ ये अगर मैंने तुझसे मांग लिया ना माँ संसार में तुझे बड़ा अपयश मिलेगा। मैया कैकेयी ने कहा पुत्र अगर तेरी प्रसन्नता है तो कैकेयी पूरे संसार में अपयश भोगने को तैयार है,
राम जी ने कहा, माँ इतना ही नहीं, तेरी मांग का सिंदूर मिट जाएगा। माँ मैया के कही के नेत्र सजल हो गए। बोला, राघव एक बात बताओ, आप मुझसे प्रेम करोगे कि नहीं? अवश्य करूंगा। मैया के कही ने कहा, अगर आपकी प्रसन्नता है ना रघुनंदन, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे ये भी स्वीकार है, अगर मेरी मांग का सिंदूर मिटे, मुझे ये भी स्वीकार। राघव जी ने कहा, माँ एक और बात सुन, तेरा भरत तुझे कभी माँ नहीं कहेगा। भरत कभी तुझे माँ नहीं मानेगा, तुझे जीवन में कभी माँ कहकर नहीं बुलाएगा। तेरा भरत तेरा त्याग कर देगा। माँ बोल, अब मांगेगी? मैया के कही ने आंसू भर कर कहा, राम एक बात बताओ, तुम मुझे माँ कहोगे कि नहीं कहोगे? राम जी ने कहा, माँ पूरा संसार मैं छोड़ सकता हूँ, पर अपनी माँ के कही को मैं नहीं छोड़ सकता। मैया के कही कहती है, बस मुझे कोई परवाह नहीं, अगर पूरा जगत का मालिक मुझे माँ कहेगा, तो एक भरत के माँ ना कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैया के कही से राघव जी कहते हैं, माँ संसार की कोई माँ कभी अपनी बेटी का नाम कहके ही नहीं रखेगी। मैया के कही कहती है, वो भी मंजूर है। हर परिस्थिति में माँ के कही ने जब हाँ कहा और राम जी को वचन दिया, राम जी ने वो बात कही, माँ तुझे मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास निश्चित करना होगा। आज वो पल आया, भरत जी पूछते हैं, माँ बात बता, भैया कहाँ थे जो पिताजी उनको याद करते रह गए? मैया के कही जानती है, अरे कैकेयी तू ये बात बोलेगी, इसके बाद तेरा भरत तुझे जीवन भर माँ नहीं कहे। तेरा भरत माँ कहना तो दूर, कभी तेरा मुख तक नहीं देखेगा कैकेयी। राम जी का राज्य अभिषेक हुआ, त्रैलोक के आनंद से भरा था। माँ कैकेयी एक कोने में बैठकर रो रही थी। माँ की ये स्थिति देखकर राम जी कहते हैं, माँ सारा संसार प्रसन्न है, तू क्यों रोती है? अब क्यों रोती है माँ? मैया के कही उस दिन कहती है, राम मुझे सबने क्षमा कर दिया पुत्र, पर मेरे भरत ने मुझे आज तक क्षमा नहीं की। 14 साल बीत गए रघुनंदन, मैंने अपने भरत के मुख से कभी राम नहीं सुना अपने मुख। मेरा भरत मुझे माँ कहना बंद कर चुका है, बता मैं कैसे सह पाऊं? राम जी ने कहा, माँ तू चिंता मत कर, मुझे मेरे भरत पर विश्वास है। मैं अपने भरत से कहूंगा ना, तो मेरा भरत कभी मेरी बात नहीं टालेगा। भरत जी के पास राम जी गए, कहा, भरत भैया आज अगर आपका ये बड़ा भाई आपसे कुछ मांगे तो क्या दोगे? भैया भरत ने कहा, प्रभु अगर ये भरत के तन की चमड़ी भी आपको चाहिए ना, तो एक बार आदेश करना, एक पल में निकाल कर आपके चरणों में डाल दूंगा। बस प्रभु इस दास पर एक कृपा करना, मुझसे ये मत कहना कि मैं कैकेयी को माँ कहूँ, बाकी जो मांगना चाहो, प्राण मांगो, मैं प्राण देने को तैयार हूँ। मैया कैकेयी ने वो त्याग किया है। जैसे ही वर की बात बताई, भैया भरत वहां से मैया के कई को बहुत सारे कटु शब्द बोले, वहां से सीधा माँ कौशल्या के भवन में चले गए। वहां जाकर भैया भरत ने बहुत विलाप किया, बहुत रोए हैं। माँ सत्य कहता हूँ, ये जो भी रचना के कई ने रची, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। माँ मैया कौशल्या ने भरत जी को समझाया, जितनी भी प्रकार की विधियां बताई गई हैं, समस्त शास्त्रोक्त विधियों से श्री दशरथ जी की अंत्येष्टि संपन्न हुई। सारी अयोध्या का समाज जुटा, राजसभा तैयार हुई,
भरत जी से हर कोई आज कह रहा है राजा बन जाओ। भरत जी महाराज ने हाथ जोड़कर गुरुदेव से कहा, मेरे हृदय में राम जी के विरह की अग्नि जल रही है और जब तक मैं जाकर राघव जी के दर्शन नहीं करूंगा गुरुदेव, मेरे हृदय की यह अग्नि बुझने वाली नहीं। मैं कल प्रातः काल ही जाऊंगा चित्रकूट के लिए, जहां पर मेरे भैया हैं मैं कल यहां से प्रस्थान करूंगा, जो मेरे साथ चलना चाहे वो चले, पर मेरा यह अब अचल निर्णय है कि मैं जाऊंगा भैया को वापस लाने। सारी तैयारियां हुई, सभी अयोध्यापुर वासी माताएं, चतुरंगनी सेना, राज्याभिषेक की सामग्री सभी सुसज्जित होकर चल पड़े। श्रृंगवेरपुर जब पहुंचे, निषाद राज से भेंट हुई। निषाद राज जी ने वह स्थान दिखाया जहां प्रभु ने विश्राम लिया था। उसके उपरांत जब कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में जब भैया भरत पहुंचे हैं, हाथ जोड़ करके आज तीर्थराज के समक्ष खड़े हैं, सकल काम प्रद तीर्थ राव। सुना है आप सब कुछ देते हैं, आज मैं भी आपके समक्ष कुछ मांगने आया हूं। हमारे यहां ना, हमारे यहां मांगने की परंपरा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि विपत्ति आने पर मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। भैया भरत ने जब हाथ जोड़कर कहा कुछ मांगने आया हूँ, उधर से आवाज आई त्रिवेणी संगम से, क्या दू भरत जी, आप बताइए, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मेरे पास भरा हुआ है, जो चाहे ले लीजिए। भरत जी हाथ जोड़कर कहते हैं, अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ के ही वजह से तो आज अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो गया। धर्म भी नहीं चाहिए, धर्म की बात करते करते पिताजी स्वर्ग चले गए, धर्म का पालन करते करते भैया वन चले गए, मेरा परिवार टूट गया। काम भी नहीं चाहिए, कामना थी कैकेयी के हृदय में मुझे राजा बनाने की, देखो कैसे भरत भिखारी बना द्वार पर खड़ा है। मैं सगुण उपासक हूँ और सगुण उपासक कभी मोक्ष की कामना नहीं करता, मुझे ये भी नहीं चाहिए। आज त्रिवेणी संगम में यह मन में यह भयभीत है माँ कि क्या दूंगी फिर मैं भरत को, अगर ये मांगेंगे मेरे पास अर्थ धर्म काम मोक्ष के सिवा कुछ नहीं है, क्या प्रदान करूं। भरत जी ने हाथ जोड़कर तब तक कहा, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना, बस राम जी के चरणों का प्रेम मुझे दे दो माँ और कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने अभी आपसे प्रारंभ में निवेदन किया, भक्त जो भगवान को अपना मानता है वो जीवन में प्रेम से अधिक कुछ चाहता भी नहीं है, और जिसने भी भगवान पर विश्वास किया है ऐसा कभी नहीं हुआ है भगवान ने उसकी लाज ना बचाई। जिसने भी विश्वास के साथ, और एक बात, हम आप अपने जीवन के अल्प से दुख को देख कर कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, किसी भक्त के जीवन को उठाकर देखिएगा क्या उनके जितना दुख हमारी जिंदगी में है क्या। नरसिंह मेहता की कथा सबने सुनी है, सब जानते हैं। नरसिंह मेहता जी का जवान बेटा खत्म हो गया, नरसिंह मेहता ने कभी ठाकुर जी से शिकायत नहीं करी, सब कुछ त्याग कर रंक सा जीवन जीते हैं, भगवान के भजन में रहते हैं, बिटिया का विवाह हुआ है। जब वहां पर विवाह होना सुनिश्चित हुआ, नानी बाई के यहाँ से ससुराल वालों ने पत्रिका भेजी, मायरे में इतनी रकम लिख दी जाए कि वो भिखारी आ ही ना सके, इतनी लंबी पत्रिका तैयार कर दो, जब सामान ही नहीं लाएगा तो आएगा किस मुख से। पत्रिका लेकर पंडित जी पहुंचे, नरसिंह मेहता के हाथ में वह पत्रिका दी, उतनी लंबी पत्रिका देखकर आज नरसिंह मेहता ने वो पत्रिका कन्हैया के चरणों में रख दी, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु
अगर बात सिर्फ मेरी होती तो जीवन में आपसे नहीं कहता, पर आज बात बिटिया के जीवन की। मैं कुछ मांगने भी नहीं आया, मैं कुछ कहने भी नहीं आया, बस ये पत्रिका देने आया हूँ। अब ये आपका काम है, आप इसकी लाज कैसे बचाओ। कहकर नरसिंह मेहता 16 सूरों के साथ टूटी सी बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़े सिरसागढ़ के लिए। पहुंचे हैं वहां पर। वहां पर पहुंचने के उपरांत अब वो दिन आया है जिस दिन मायरे की रकम भरनी है, भात भरनी है। समय हो रहा है, इधर लोग तैयारियों में हैं, नरसिंह मेहता जी अब इंतजार कर रहे हैं। जिसको पत्रिका देकर आया था वो अभी तक दिख नहीं रहा है, कहां है वो। इतने में 16 सुरों में से एक भगत जी ने कहा, अगर नरसिंह मेहता की इतनी पुकार के बाद भी आज सांवरिया नहीं आया तो या तो भगवान सच्चा नहीं है या नरसिंह मेहता भगत सच्चा नहीं। इतना सुनते ही नरसिंह मेहता का हृदय फट गया। गांव के उस सीमा पर पहुंचे जहां से वह नगरी शुरुआत होती थी, एक टक रास्ता निहार रहे हैं, पुकार रहे हैं, आज बुलाकर कुछ मांग रहा हूं समरिया, आज नहीं आया तो जीवन भर तुझसे बात नहीं करूंगा। आनो पड़सी रे आनो पड़सी रे हो थारा भगत करे अरदास सावरा, आनो पड़सी रे हो आजा रे सांवरिया बात बना जा रे सांवरिया, आजा रे सांवरिया बात बना जा रे सांवरिया, आजा रे सांवरिया बात बना जा रे नानी बाई रो मां।
जा रे सांवरिया बात बना जा रे सांवरिया ओ भर जा नानी बाई रो नरसी जी ने पुकार लगाई। देखते ही देखते जिस रास्ते पर खड़े थे रास्ते पर धूल का अंबार उठा और सांवलिया शाह आज पूरे साज सामान के सहित मैया के साथ नरसी मेहता के समक्ष आ खड़े हो। इतिहास में हजार ऐसे लाख ऐसे दृश्य आए जब भगवान खड़ा रहा भक्त ने हाथ जोड़ा। ये प्रथम दृश्य ऐसा आज समक्ष आया भक्त खड़ा है भगवान हाथ जोड़कर बैठे। क्यों देरी से आया हूं? देर हो गई। नरसिंह मेहता ने यहाँ पर ठाकुर जी को इतनी रुष्टता से जवाब दिया। नरसिंह मेहता सामने खड़े कन्हैया हाथ जोड़कर पहुंचे, आज क्षमा कर दो भगत जी, अगली बार टाइम पे आऊंगा। नरसिंह मेहता ने मुंह फेर लिया, कन्हैया दूसरी ओर जाकर खड़े हो गए। फिर उधर से आज क्षमा कर दो भगत जी, अगली बार समय पे आऊंगा। नरसिंह मेहता ने दूसरी ओर मुंह घुमा लिया, मैया रुक्मिणी साथ में थी। सरकार ये इतना गुस्सा करते हैं, क्यों मनाने पे लगे हो? कन्हैया ने कहा, अरे देवी पूरा संसार तो इस कृष्ण को चोर चोर कहता था, मेरा यही एक नरसी भगत है जिसने इस चोर को सांवलिया शाह बना दिया है। रुक्मिणी मैया से कहा, देवी आप मनाओ, क्या पता भगत जी मान जाएं। रुक्मिणी मैया हाथ जोड़ कर गईं, भगत जी मैं कहती हूँ क्षमा कर दो। चरणों में गिर पड़े नरसी जी और फिर जोर मायरे की रकम भरी है वो कथा संसार में किसी से छिपी नहीं।